बेमौसम बारिश के कारण बगीचे का नुकसान। लातूर जिले के देवनी तहसील में टाकली गांव के रहने वाले ज्योतिबा सावंत, इस किसान ने अपनी 1.5 एकड़ जमीन में लगाए गए नींबू के बगीचे का बेमौसम बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ। इस बगीचे पर अब तक उन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा रुपयों की लागत लगाई है, लेकिन खराब मौसम और बारिश के कारण नींबू के पेड़ पर रोग पड़ने से पूरा बगीचा बर्बाद हुआ है, जिसके चलते पीड़ित किसान ने इसका पंचनामा कर मुआवजा देने की मांग की। नवभारत समाचार के लिए लातूर महाराष्ट्र से अनिकेत जाधव की रिपोर्ट। मेरा 1.5 एकड़ का एक नीम का पेड़ लगाया मैंने 1.5 एकड़ में, तो अभी उसको 2 साल हो गया लगा के, 1.5-2 लाख रुपए खर्चा आ गया। और अभी फल जब लग रहा है, जब 2 पैसा आने का टाइम है, तो बारिश के वजह से सब इसका पत्ता झड़ रहा है और उसके ऊपर ये हो रहा है, पूरा रोग गिर गया है। देखो सब फल गिर रहा है, उसका नुकसान बहुत है। अभी जो कमाई आने का है उसमें 2 पैसा उसके पहले जब से गया, अभी तो कुछ आने का नहीं है। वो खराब हो गया सब पेड़ को बारिश की वजह से, सब देखो पत्ता वित्ता झड़ रहा है, वो भी पेड़ खराब हो गया है। सब बारिश हो के इसके ऊपर बहुत सारा रोग पड़ गया है। अभी देखिए रोग पड़ गया है, वो पत्ता इतना झड़ रहा है, सब फल ऐसे गिर के जा रहा है, जब हाथ पे आएगा पेड़ तो गिर जा रहे हो। क्या मांग है आपकी? तो अभी क्या है, सरकार से एक गुजारिश है, इसका कुछ पंचनामा किया जाए, जो मुआवजा मिलना चाहिए कुछ। अभी उसमें 1.5-2 लाख रुपये खर्चा किया, 2 साल से उसका मेहनत कर रहे, तो अभी 1 रुपये का हमको इनकम नहीं है इस पे। अभी ये पूरा नुकसान ही है हमारा। कुछ सरकार से मांग है कि कुछ इसका पंचनामा करके कुछ पैसा मिलना चाहिए हमको।